कलेक्शन करने के उद्देश्य से पैजामा गांव में आए हुए थे। पैजामा गांव से कलेक्शन बिहार में क्या अपराधियों पर प्रशासन पुलिस की लगाम नहीं लग पा रही है? बिहार में लगातार देखे जा रहे हैं अलग अलग जिलों में घटनाएं लगातार हो रही है। हम राजधानी पटना की बात करेंगे आज, जहां आज दिन के उजाले में दो अलग अलग इलाकों में अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। पहला मामला जो राजधानी पटना के आलमगंज थाना और सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बॉर्डर का है, जहां पर अपराधी ने एक युवक को गोली मारी है, जिसका नाम मोनू बताया जा रहा है। अपराधी उसके दोनों टांगों में गोली मारकर और हवा में दर्जनों राउंड फायरिंग करते हुए फरार हो जाते हैं। वहीं दूसरी घटना की हम बात करें तो बाईपास से सटे महिंद्रा शोरूम का है, जहां पर अपराधी दिन के उजाले में उस युवक को गोली मारते हैं, जिसका नाम दीपक कुमार है, और उसके कंधे में गोली लग जाती है और वो आनन फानन में पहुँचता है राजधानी पटना के NMCH अस्पताल। दोनों युवक यूँ कहें कि राजधानी पटना के NMCH अस्पताल का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस सारे बिंदुओं पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, जहां कि पटना सिटी के सुल्तानगंज और आलमगंज थाना क्षेत्र के बॉर्डर का है, जहां दिन के उजाले में दो जो है मोटरसाइकिल सवार पर चार लोग आते हैं और दर्जनों राउंड गोलियां चलाते हैं, जिसमें एक युवक मोनू कुमार को दोनों टांगों में गोलियां लग जाती है। सूत्रों की माने तो अपराधी मोनू के BNR कॉलेज के पास से खदेड़ते हुए साई घाट तक गया और उसके पैर में गोली मार दी। वहीं दोनों टांगों में गोली लग जाती है, दर्जनों राउंड गोलियां फायरिंग करते हुए अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है, जहां फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। मोटरसाइकिल पर कुल चार लोग सवार देखे गए। दूसरी घटना सटे महिंद्रा शोरूम के समीप का है, जहाँ तीन बाइक पर सवार लगभग 7 अपराधी ने मोटरसाइकिल सवार संदलपुर बाजार समिति के निवासी दीपक कुमार को गोली मार दी है और अपराधी बड़े ही आराम से भाग जाते हैं। वहीं दीपक कुमार ने बताया कि बैग में नकद रुपए था, उसको लेकर जा रहे थे, जहां अपराधी उसके बैग को छीनकर जो है हवा में 6 से 7 राउंड गोली चलाते हैं और वहां से दीपक कुमार के हाथ से बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। हालांकि दीपक के कंधे में गोली लगी है, जैसा कि दीपक ने बताया कि एक गोली जो है उसके गर्दन के पास से निकल गई, लेकिन हालांकि उसे एक गोली लगी, उसे अस्पताल फिलहाल जो है लाया गया है। दीपक NMCH खुद एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो पहुंचा और उसकी इलाज की जा रही है। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को दोनों घटना की जानकारी मिली और वैसे ही वो पुलिस प्रशासन जो है घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अपराधी के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन के उजाले में लगातार पटना सिटी के क्षेत्रों में वो क्राइम कर रहे हैं। क्या वाकई में बिहार में सुशासन की सरकार है जो अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है? अब देखना होगा कि दोनों अलग अलग मामलों में पुलिस एक कब तक पहुंचती है। वहीं एक तरफ पुलिस पहले मामले को सुलझा नहीं पाती, वहीं दूसरे मामले में पुलिस उलझकर रह जाती है। ऐसे में अपराधी के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। पटना सिटी से NBC 24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। बैग में कितना पैसा था? वो तो मिलाना पड़ेगा, वो बता देंगे हम। क्या किसी को पहचानते, कौन सा अपराधी थे? क्या बाल बाल मतलब बचे आप उससे? हाँ, बाल बाल बचे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बाजार समिति संदलपुर रोड। सर क्या कुछ जानकारी मिली है? सर आज सूचना मिली कि BNR रोड में कॉलेज जो है, कॉलेज के बगल में कुछ व्यक्तियों के द्वारा फायरिंग किया गया। सूचना के सत्यापन में हम लोग आए तो पाए कि कॉलेज के पूरब तरफ 2-3 खोखा गिरा हुआ था और वहाँ पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली कि उसके पूरब में एक मंदिर है, मंदिर के पास किसी व्यक्ति के पैर में गोली लगी। इस जो आलमगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, फिर भी इसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, उचित कार्रवाई। इलाज के लिए कहाँ भेजा गया सर युवक को? इलाज के लिए उसके परिजन के द्वारा NMCH भेजा गया था, बस इतना ही। कितनी गोली लगने की लगी है सर, उसको जानकारी है? जानकारी जैसे जो जख्मी है उनके द्वारा बताया गया दोनों पैर में गोली लगी। क्या मामला सर, आपसी रंजिश का मामला है या कुछ और देखने को मिल रहा है? उन लोग का आपसी पूर्व का विवाद लग रहा है। एयरटेल पेमेंट, फिनो पेमेंट और स्पाइसी मनी कलेक्शन करने के उद्देश्य से पैजामा गांव में आए हुए थे। पैजामा गांव से कलेक्शन करने के बाद वापस वो कुम्हरार की ओर
पैसे लेकर अपने प्राइवेट बुलेट से लौट रहे थे। लौटने क्रम महिंद्रा शोरूम लिंक रोड के पास दो मोटरसाइकिल पे सवार तीन तीन कुल छः अपराधकर्मी आए। उनसे दीपक कुमार जो जख्मी हैं उनसे पैसे की मांग किया गया। दीपक कुमार द्वारा पैसा नहीं देने कारण इनके ऊपर अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा एक गोली चलाई गई है जो इनके दाहिने बांह के ऊपर लगी हुई है, जो अभी इलाजरत है, सुरक्षित है, खतरे निशान से बाहर है। मामला तजवीज़ कर ली गई है, पुलिस छानबीन कर रही है।